हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज का वीडियो आप सब हम शेयर करने वाले हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस केंटर की डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्रामर रोल के लिए। तो पहले मैंने एक एनालिस्ट का प्रोफाइल के लिए जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर किया था, मगर आज का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं किस तरीके से मेरा डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्रामर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ था मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ था मेरा। मुझे केंटर की तरफ से मेल आया था कि आप जो इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट रोल। तो इस तरह से मुझे आया था और PDF भेजा गया था जहाँ पे कंपनी डिटेल्स लिखा गया था, सैलरी वगैरह। उसके साथ साथ लोकेशन भी मेंशन करके दिया गया था कि दो लोकेशन पे हैं, एक है हैदराबाद और एक है पुणे। तो ये दोनों लोकेशन में से आपका एक लोकेशन में सिलेक्शन हो सकता है, तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मुझे एक MS फॉर्म का लिंक था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म होता है, वो फॉर्म का एक लिंक था, तो मैंने फिलअप किया था। उसके 5-7 दिन बाद मुझे जो है मेल आया था रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स। तो बहुत ही ईजी एग्ज़ाम्स थे, FT वगैरह थे, और मुझे भी याद नहीं आ रहा है स्टूडियो के थे नहीं था शायद FT का ही सिर्फ एग्ज़ाम था, और काफ़ी ईजी एग्ज़ाम था, मैंने आराम से क्लियर कर लिया था। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप भी आसानी से क्लियर कर पाओगे। उसके बाद मुझे मेल आया था कि मैं जो पहला राउंड क्वालिफाई कर चुका हूँ, अब जो मुझे सेकेंड राउंड के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मुझे अब जो देना होगा एक कोडिंग टेस्ट। तो कोडिंग टेस्ट के बारे में बता दूँ तो कोडिंग टेस्ट सिर्फ आधा घंटे का था, 30 मिनट्स आपको एक कोड दिया जाता है। कोड बहुत ही ईजी कोड है, 5 मिनट के अंदर मेरा कोड मैं जो है सॉल्व कर दिया था। मेरा कोड जो था वो था एरे का सम ऑफ एरे एलिमेंट और एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स, एवरेज था शायद, तो एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट। बहुत ही ईजी कोड था, छोटा सा कोड था बहुत। और लैंग्वेज प्रेफरेंस यहाँ पे आप कुछ जो मर्जी आप लैंग्वेज में कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थे। तो ये हो गया मेरा केंटर का जो है डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्रामर का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस किस तरीके से था। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जैसे कि मुझे मेल आया था केंटर की तरफ से कि आप इस रोल में अप्लाई कीजिए, उस तरीके से अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आपको यहाँ पे माई एनाटॉमी का थ्रू जो उनका एग्ज़ाम होता है, तो माई एनाटॉमी के थ्रू ही उनका जो है प्रोसेस चलता है, एप्लीकेशन प्रोसेस, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साल में बहुत बार होता है डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्रामर का हायरिंग, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया किस तरीके से आप जो एग्ज़ाम दे पाएंगे, किस तरीके से आप जो एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब आते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू मेरा था कुछ एग्ज़ाम देने के 7 से 10 दिन के बाद था, मगर मेरा जिस दिन इंटरव्यू था जिस इंटरव्यूअर ज्वाइन नहीं किया है, तो मुझे मेल आ गया था कि इंटरव्यू अभी कैंसिल हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे जो नया इंटरव्यूअर का मेल मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो 2 दिन बाद ही मुझे मिल चुका था मेल और इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हो चुका था। इंटरव्यूअर काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे, काफ़ी अच्छा आदमी इंसान थे जो मेरा ले रहे थे। ही वॉज़ वेरी फ्रेंडली और उनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस था। ही वॉज़ फ्रॉम बैंगलोर, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो इंटरव्यू में मुझे बेसिकली पूछा गया कि क्यों मैं इस रोल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोर टेक्निकल रोल नहीं है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होता है वैसा एक रोल नहीं है, ये एक डेटा प्रोसेसिंग का रोल है। तो यहाँ पे आपको उतना जो है प्रोग्रामिंग वगैरह या डेवलपमेंट के बारे में आपको यहाँ पे नहीं काम करना पड़ेगा, कुछ टूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये सब चीज़ मुझे बताया गया। और उसके साथ साथ मुझसे जो है 2-3 प्रोग्रामिंग का लॉजिक पूछा गया, जैसे कि प्राइम नंबर हम किस तरीके से निकालते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, उसका जो है लॉजिक क्या है अगर हम कोड करना चाहते हैं। सिर्फ लॉजिक पूछा गया, कोड मुझे नहीं करना था। उसके साथ साथ मुझसे और पूछा गया एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, कि किस तरीके से हम एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड कर सकते हैं। ये 3-4 मुझसे जो है कोड का लॉजिक पूछा गया, मैं सिर्फ वर्बल ही बताया उन्हें, इससे उनका जो है मतलब उनको जो है सेटिस्फेक्शन आ गया कि आप मुझे ले सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट तक इंटरव्यू चला था। उसके बाद थोड़ा सा हम और भी चीज़ों के बारे में बात की, जैसे कि मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे इस रोल के बारे में क्या जानना है कि नहीं जानना है, तो मैंने बताया कि किस तरीके से काम का होता है सर इस रोल के ऊपर, क्या 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 चीज़ें करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ टूल्स के बारे में, और मुझे ये भी बताया कि आप चाहे तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं टूल किस तरीके से काम करता है। ऑल दो उनकी तरफ से हमें जो है 4 से 5 महीने का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी मुझसे बोला गया कि ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद ही आपको जो प्रोजेक्ट में मतलब इंक्लूड किया जाएगा। और मुझे बताया गया कि 2 से 3 दिन के अंदर मुझे जो है बहुत ही जल्दी मुझे HR कॉन्टैक्ट करने वाला है, तो मुझे लग रहा था कि तभी जो है मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद मुझे मेल आता है HR की तरफ से और HR मेरा इंटरव्यू लेते हैं, और HR में यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझसे पूछा गया कि मेरे पास और कोई एक्टिव जॉब ऑफर है क्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जिनके पास टेक्निकल रोल का जॉब ऑफर रहते हैं, जैसे कि एक्सेंचर हो गया, TCS या इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन सारी कंपनी का जो अगर उनके पास रहता है जॉब ऑफर, तो ये जानते हैं कि नहीं जाने वाला कैंडिडेट,
तो वहीं से उनका जो रिजेक्शन चालू कर देते हैं। तो अगर आपके पास है फिर भी आप मेरे ख्याल से डिनाई करने बेहतर होगा कि अगर आपके पास है ऑफ़र, आप बाद में डिसाइड कीजिए आपको जाना है कि नहीं जाना है, मगर पहले आप ना कह सकते हैं। ओके, सो इस तरीके था मेरा एचआर इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन हो चुका था एचआर के बाद भी। तो उसके 7 से 10 दिन के बाद मुझे कॉल आता है करीबन रात के 10 बजे, काफ़ी वेट था ये, करीबन रात के 10 बजे मुझे जो है कॉल आता है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और एक चीज़ मैंने बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मेरा TR था, टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे मुझसे पूछा गया था मेरा जॉब प्रेफरेंस लोकेशन में क्या, जिसमें किस में जाना चाहता हूँ, कौन सा लोकेशन पे। मैंने उनको बताया था हैदराबाद, मगर HR ने मुझे जब कॉल किया था रात को, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पुणे के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो और मुझसे पूछा कि आपको सब कुछ आता है, मतलब आपको सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या है, हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मैंने बताया नहीं, मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 4 LPA सैलरी दिया जाएगा पैकेज, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 साल का हमारे साथ सर्विस एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी वेट था कि यार 2 साल का सर्विस एग्रीमेंट बहुत ही बड़ा होता है। और कुछ बॉन्ड था 1,00,000 या 50,000 का, अगर मैं तोड़ देता था वो बॉन्ड तो मुझे उतना पैसा पेमेंट करना पड़ता। तो मुझे काफ़ी वेट लगा, मुझे ठीक नहीं लगा। बॉन्ड देता है बहुत सारे कंपनी में 2 साल का बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पे उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया था ऑफ़र। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, अगर आप कंफर्टेबल है बॉन्ड के साथ, तो आप Kantar ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट या सॉरी एज ए डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्रामर। तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पर्सनली बॉन्ड के उतना जो है कंफर्टेबल नहीं था, 2 साल का बॉन्ड बहुत ही बड़ा बॉन्ड होता है। उसके साथ साथ लोकेशन पुणे भी, मैंने जो तब मैं सोचा था कि यार पुणे नहीं जाना है, अगर हैदराबाद होता है तो हैदराबाद जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मैं स्पेसिफिकल था कि यार नहीं जाना है कि जाना है कि नहीं जाना है, इसलिए जो मैं उनको जो है ना कर दिया था। तो रात को मुझे बताया गया था कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हम जो आपका ऑफर लेटर जनरेट करेंगे तो आप जो है आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड ये सब डिटेल्स मुझे जो है भेज दी। तो मैंने नहीं भेजा था, और मैंने जब मुझे कॉल किया गया तो मैं उनको जो है ना कर दिया था। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं बॉन्ड वगैरह के साथ तो आप जा सकते हैं Kantar में। कंपनी के बारे में उतना जो है डिटेल में नहीं पता, एक चीज़ मुझे पता है यहाँ पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ज़्यादातर मैंने जब कोई भी मुझे जॉब ऑफर मिलता है या मैं इंटरव्यू देता हूँ कंपनी का, तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है जितने भी पता था वर्क कल्चर उतना जो है बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है आपको, तो यार ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पूछ लीजिए कि लिंक्डइन में जो लोग काम करते हैं उनसे क्या वर्क कल्चर किस तरीके से हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं हम जो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी मदद कीजिए इन टाइम से निकलने के लिए। तो गाइस आपसे फिर मिलते हैं हम जो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।